हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनीवन कैन कुक विथ रीता। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिक ओडिया फेस्टिव रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम उड़द दाल और चावल को यूज़ करके बनाएंगे राज्यो स्पेशल पोड़ो पिठा। ट्रेडिशनली कढ़ाई के अंदर केले का पत्ता रखा जाता था और उसके ऊपर बैटर डाला जाता था और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे बेक किया जाता था। जब ये तैयार होता था, इसके नीचे का हिस्सा हल्का जला हुआ रहता था, इसीलिए इसका नाम पोड़ो पिठा पड़ा है, यानी जला हुआ पिठा। यही हल्का जला हुआ हिस्सा और इसका स्मोकी फ्लेवर इस रेसिपी को एक यूनिक और स्पेशल टेस्ट देते हैं। पुराणों की माने तो ये जगन्नाथ महाप्रभु का सबसे पसंदीदा पिठा है। चलिए फिर इस स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पोड़ा पिठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल रेशियो के उड़द दाल और चावल ले लिए हैं। हमने यहाँ पे 1.5 कप उड़द दाल और 1.5 कप चावल लिए हैं। इन्हें हमने 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लिया है। इन्हें अब हम 4 से 5 घंटे के लिए सोख करने छोड़ देंगे। दाल और चावल को सोख होते हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। दाल बहुत अच्छे से फूल चुका है और चावल भी बहुत अच्छे से भीग चुका है। अब हम इन दोनों को अलग अलग से पीस के तैयार करेंगे। पहले हम उड़द दाल को पीस लेंगे। इसको पीसते टाइम हम इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हमें बैटर गाढ़ा चाहिए। इसमें बस 2-3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे स्मूथ करके पीस लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे दाल को भी हम पीस के तैयार कर लेंगे और इसे एक बड़े बर्तन में रखेंगे ताकि इसे फेंटने में आसानी हो। इसी तरह से चावल को भी हम पीस के तैयार कर लेंगे। इसे पीसने में भी हम थोड़ा सा ही पानी का यूज़ करेंगे और इसी तरह से गाढ़ा बैटर बना के तैयार करेंगे। चावल को बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का पीस के तैयार करना है। इसे अब साइड करके रख लेंगे और पिसे हुए उड़द दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। उड़द दाल को बिल्कुल इसी तरह से हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। इसे फेंटने के लिए आप हाथ का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो इस काम को आप बड़ी आसानी से 2 मिनट में कर सकते हैं। हमें उड़द दाल का बैटर को फेंटते हुए 7-8 मिनट हो गया है। ये बैटर फूल गया है और काफी फ्लफी हो गया है। उड़द दाल परफेक्ट फूला है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे। बैटर बहुत अच्छे से फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब बैटर परफेक्ट फेंटा हुआ है। अगर बैटर नीचे बैठ जाए तो हमें इसे और थोड़ी देर के लिए फेंटना पड़ेगा। इसी स्टेज पे हम इसके साथ चावल का बैटर को ऐड कर देंगे। इसे अब और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ट्रेडिशनली पोड़ो पिठा बनाने के लिए इस बैटर को 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ा जाता है और आज हम इंस्टेंट पोड़ो पिठा बनाएंगे। अब इस बैटर को थोड़ी देर के लिए साइड करके रख लेंगे। आगे की प्रोसीजर के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं 300 ग्राम गुड़, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए नारियल, कुछ काजू और कुछ बादाम। इस रेसिपी में आप अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन को गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें आप डालेंगे 1/2 चम्मच घी। घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसे अब हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अभी हल्का गोल्डन होने लगे हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में अब हम डालेंगे कटे हुए नारियल। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। नारियल भी अच्छे से भुन चुका है, इसे अब एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इस पैन में डालेंगे 2-3 चम्मच पानी। इसके साथ डाल देंगे गुड़ ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। आप गुड़ को हल्का सा कूट के भी इसमें डाल सकते हैं, पर ये इस तरीके से चाकू से आराम से टूट भी जाता है। अब इस गुड़ को लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बीच बीच पे हम इसे हल्का हल्का सा चलाते रहेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, हमें इसे और ज़्यादा पकाना नहीं है। अब गैस का फ्लेम को कर देंगे ऑफ। पिघला हुआ गुड़ का 2/3 पोर्शन को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसको हमें बैटर के साथ ऐड करना है। बाकी बचे गुड़ को फिर से गैस पे चढ़ाएंगे। अब इसके साथ ऐड करेंगे 1 कप ग्रेटेड कोकोनट।
इससे पोड़ो पिठा के लिए एक स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसके साथ पनीर भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टफिंग में अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग अभी बिल्कुल तैयार है। अभी हम पोड़ो पिठा का बैटर ले लेंगे। हमें इसके साथ और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम इंस्टेंट पोड़ो पिठा बनाने जा रहे हैं, इसीलिए ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। अब ऐड करेंगे रोस्टेड कोकोनट पीसेस, थोड़े से रोस्टेड नट्स। अब ऐड करेंगे मेल्टेड गुड़। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जोर जोर से हमें इसे फेंटना नहीं है, हल्के हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं इसकी बेकिंग की प्रोसेस के तरफ। इसके लिए हमने ओपन लिड वाली एक बड़े साइज के कुकर ले ली है। इसे हमने गैस पे रख दिया है। अब कुकर में डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को एक ब्रश की मदद से अच्छी तरह से कुकर के साइड में भी लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक केले के पत्ते को इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिए हैं। अब इन केले के पत्तों को कुकर का बेस को कवर करते हुए अच्छी तरीके से सजा देंगे। आपको अगर केले का पत्ता ना मिले तो आप डायरेक्ट कुकर में घी डाल के भी इसे बना सकते हैं, या फिर पार्चमेंट पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब इस केले के पत्ते के ऊपर डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और घी को केले के पत्ते के ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब धीरे धीरे से इस पत्ते के ऊपर आधा बैटर को डाल देंगे। हमने पहले से जो स्टफिंग तैयार करके रखे हैं, अब उस स्टफिंग को इसी बैटर के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इस बैटर को कवर करते हुए बाकी बचे बैटर को धीरे धीरे से इसके ऊपर डाल देंगे। इसको अब कुछ नट्स और कोकोनट स्लाइसेस के साथ अपने मनपसंद डिजाइन में डेकोरेट करेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। किनारे किनारे में भी थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि डीमोल्ड करते टाइम ये आसानी से किनारा छोड़ दे। अब हम कुकर का गैस्केट और सीटी को निकाल देंगे और इसे क्लोज करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। पोड़ो पिठा को बेक होते हुए 45 मिनट हो चुका है। अब एक टूथपिक डाल के इसे चेक कर लेते हैं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारा पोड़ो पिठा परफेक्ट बेक हुआ है। इसे आप फिर से ढक देंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। पोड़ो पिठा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब एक चाकू की मदद से इसको कुकर के साइड से अलग कर लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे एक प्लेट और इसे पलट देंगे। हमने इसके अंदर केले के पत्ते दिए हैं, हल्का सा टैप करते ही ये आराम से डिमोल्ड हो जाएगा। अब इसके ऊपर से जला हुआ पत्तों को धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। हमने इस तरीके से पूरे पत्तों को निकाल लिया है। पोड़ो पिठा का निचला हिस्सा इस तरीके से हल्का हल्का जला हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट पोड़ो पिठा बन के तैयार हुआ है। इसे अब मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये खाने में जितना टेस्टी है उतना हेल्दी भी है। आप इस यूनिक रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। आपको रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।